नमस्कार। तारे आंखें ने देख रहे हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड जिनका बढ़ा है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से फार्मूलास हैं, लेकिन ये जो फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं रामबाण की तरह काम करता है। एक छोटी हरड़ का पाउडर लेना आपने 100 ग्राम, बड़ी हरड़ का पाउडर लेना आपने 100 ग्राम, और आंवले का पाउडर भी 100 ग्राम, और जीरे का पाउडर भी 100 ग्राम, लेकिन गिलोय का पाउडर आपने लेना 200 ग्राम। इन सभी को आपस में मिला लो जी। उसके बाद रोज 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को पानी से निकल लेना। यूरिक एसिड आपका नॉर्मल होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान रखें, आपको लाल मिर्च का पाउडर और खटाई अचार ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। अब नोट करिए कि दुर्भाग्य नाशक प्रयोग कि जिससे आप अपनी किस्मत को ठीक कर सको। हम अपने जीवन में कई बार बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन सक्सेस मिलती नहीं। हमारी कुंडली के मुताबिक चंद्रमा नीच का हो, या शनि राहु केतु या सूरज के साथ हो, या फिर 6वें 8वें 12वें भाव में हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक धीरे धीरे तरक्की करता है। जब हस्त रेखा देखते हैं तो उसके मुताबिक जब जीवन रेखा जो है लाइफ लाइन, वो हृदय रेखा और मानसिक रेखा, इन तीनों का मिलान इनको मानते हैं, तो मस्तिष्क रेखा से चंद्र पर्वत तक ये जाती है, तो सूरज रेखा से कोई बड़ी रेखा निकल के हृदय रेखा तक आती है। तो ऐसा जातक हमेशा अपनी किस्मत को कोसता ही रहता, गालियां देता रहता कि बड़ी माड़ी किस्मत है जी साड़ी तक। सो ऐसे जातक का हर रोज जो है शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले वो हल्दी डाल के दोनों हाथों से शिवलिंग को स्नान करवाए, और फिर उस समय अंगूठे को टच नहीं करना, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। अब नोट करो कि आज का जो युग है कंपटीशन का युग है, तो समाज में हर इंसान कोई ना कोई चिंता परेशानी के कारण तनाव में है। तो इंसान की नीड्स इतनी ज्यादा है कि वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए रात दिन काम करता है। मेडिकली कई बार सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक संसार में हर तीसरा आदमी जो है रोगग्रस्त है या तनाव से पीड़ित है। तो मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव मीठा नहीं रहता, चिड़चिड़ा होता है, सिर भारी होता है, आंखें उसकी जो है उसके नीचे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो जिंदगी उसको कमजोर लगने लगती है। तो यह भी ज्योतिष के मुताबिक ही ग्रहण को देख के ठीक किया जा सकता है। आखिर में बात करेंगे कि एक इंसान चाहता है कि अपना भविष्य ठीक करने के लिए एक रत्न पहन ले, लेकिन रत्नों की जो राह है इतनी आसान नहीं है। इंसान सोचते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि बेशक ज्योतिष विज्ञान है तो नवग्रह इनके विषय माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष को पूर्ण वैज्ञानिक जो है स्वरूप प्रदान अगर किया जाए, तो विश्वास उस पर किया जाए, तो फिर रत्न धारण करना सार्थक हो सकता है। अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते, आप कहते हैं रत्न पहन ले जिंदगी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। जो इंसान 2 दिन के अंदर अंदर अपनी अच्छाइयों का सबूत दे दे वही इंसान होता है। इसी तरह एक रत्न होता है जो धारण करके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छाई का सबूत देता है, तो हम कहते हैं रत्न हमें सूट कर गया। प्रिय दर्शकों, रत्न के धारण करने के मामले में बहुत सी परंपराएं हैं। तो धारण करता खुद देखता है कि धारण करके रत्न को लाभ मिलता है 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर। अगर लाभ उसको नहीं होता तो ऐसा रत्न पहनना नहीं चाहिए। कुल मिला के एक कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली देखने वाला एक तगड़ा इंसान होगा, एक शक्तिशाली इंसान होगा, तो रत्न आपको सही सजेस्ट करेगा और उससे आपकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। तो कैसा लगा जी आज का एपिसोड आपको जरूर बताइएगा। और हमारे YouTube चैनल्स एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया और वॉइस ऑफ एशियंस, इनको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सेम नाम से हमारे जो है पेजेस हैं फेसबुक के, उनको भी आप लाइक कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड होने के लिए अपना नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल वेलफेयर क्लब में शामिल होना चाहते हैं, एशियन क्लब इंटरनेशनल, तो हमारे आप यूट्यूब पे फेसबुक पे ये हमारा क्लब है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब आज का राशिफल, मेष राशि के जातक जो है उनको भागदौड़ भरा समय है, जबकि वृष राशि वाले जिस तरफ जाएंगे आज आपका कल्याण ही होगा। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी तकलीफें बढ़ सकती है, जबकि कर्क राशि वाले किस्मत आज ढीली हो सकती है। सिंह राशि वाले प्रेम में दिल टूट सकता है, जबकि कन्या राशि वाले आज प्रेम से शादी तक की बातचीत चल सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज मीडिया में छाए रहने का मौका है, जबकि वृश्चिक राशि वाले थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। धनु राशि जिस तरफ जाएंगे आज जयकार होगी। मकर
राशि वालों के लिए आज किस्मत थोड़ी ढीली हो सकती है। कुंभ राशि वाले विदेश के साथ तार जुड़ सकते हैं और मीन राशि वाले अपनों से भी आज तार टूट सकते हैं, ख्याल रखिए। तो बहुत से दर्शक पूछते हैं, सुखविंदर जी हम भी आकर आपसे मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रतन और रुद्राक्ष लेके पास पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले आप समय ले सकते हैं, फिर आकर पूछ सकते हैं या टेलीफोन एक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर 30G श्राबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर 9872620533। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं तो माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया होगी। बेटियों को कोख में मत मारना, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाना, नशों से परहेज करना, 10वां हिस्सा जिंदगी का कमाई का निकाल के नेक कामों में जरूर खर्च करना, आपकी सारी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन जाते जाते बता दें कि अगर आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस के रिपोर्टर बनना चाहते हैं या उसमें कैमरामैन बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।